लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबरों के और बढ़ने से पहले देखते हैं आज के हेडलाइन। भारत ने दिखाई ताकत, गाइडेड मिसाइल का किया सफल परीक्षण। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला, पाइप पर गरमाई सियासत। नेफेड किसानों से सीधे खरीदेगा 5,500 करोड़ रुपए के कश्मीरी से। अब खबरें विस्तार से। भारत ने दिखाई ताकत, पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का किया सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के कुरनूल में फायरिंग रेंज से मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल प्रणाली का तीसरा सफल परीक्षण है, जिसे भारतीय सेना ने तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की आवश्यकता के लिए विकसित किया जा रहा है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला, कमलनाथ के भांजे रतुल की हिरासत 5 दिन के लिए बढ़ी। दिल्ली की अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत को बुधवार को 5 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। गाय पर गरमाई सियासत, पीएम मोदी के बयान पर लेफ्ट, कांग्रेस और ओवैसी का पलटवार। गाय को केंद्र में रखकर हुए विवादों और बहस पर मोदी ने कहा था कि ओम शब्द सुनते ही कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, जबकि कुछ लोगों के कान में गाय शब्द सुनाई देते हैं तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। नेफेड किसानों से सीधे खरीदेगा 5,500 करोड़ रुपए के कश्मीरी से। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारत सरकार कश्मीर घाटी के विकास में तेजी से लग गई है। पर्यटन के बाद कश्मीरियों की आमदनी के सबसे बड़े स्रोत कश्मीरी सेब की खरीदारी के लिए सरकार ने मिशन एप्पल के तहत नेफेड को कश्मीरी सेब की खरीदारी के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। नेफेड न्यूनतम समर्थन मूल्य से 10 रुपए अधिक मूल्य पर सेब खरीदेंगे। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।